शिजा, ये तोहफा मैं तुम्हारे लिए लेकर आया। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? मैं तुमसे क्या छुपाऊंगा? वफा के बारे में। Are you mad? शिजा, आज हमारी वेडिंग नाइट है और तुम वफा को डिस्कस कर रही हो, वो लड़की जो मेरी जिंदगी में भी एग्जिस्ट नहीं करती। Come on यार, मैंने आज तक तुम जैसी बेवकूफ लड़की नहीं देखी जो अपनी वेडिंग नाइट शक की भेंट चढ़ा दे। Please. मुझे तुमसे ये तवक्को नहीं थी। पता यू नो व्हाट, बेहतर होगा कि बात बढ़ने से पहले मैं ही रूम से चला जाऊं। नहीं लिसन प्लीज, आई एम सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी। नहीं रहने दो यार, मुझे इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि सारी जिंदगी मैं तुम्हें सफाइयां देता रहूंगा। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुम्हें पता है क्या, जब तुम रूम में लॉक थे ना तो मुझे लगा जैसे कि जैसे क्या, जैसे कोई रूम में था। तुम्हारे चेहरे की वहशत देख के ऐसे लग रहा था जैसे तुम मुझसे कोई बात छुपा रहे हो। नहीं तो तुम्हारा मतलब ये, बल्कि तुम ये कहने की कोशिश कर रही हो कि इस रूम में वफा मेरे साथ मौजूद थी, यही कह रही हो? ओह माय गॉड, लाइक क्या बातें कर रही हो तुम? आई एम सॉरी, पता नहीं मैंने भी पता नहीं क्यों कह दिया, बस मुझे लगा तो मैंने कह दिया, नहीं कहना चाहिए था मुझे। आई एम रियली सॉरी यार। अच्छा मैं कान पकड़ के सॉरी कहती हूँ, तुम कहो तो मैं तुम्हारे पैर पकड़। नहीं नहीं शिजा, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी जगह मेरे दिल में है। वो लड़की इंपॉर्टेंट नहीं है, भूल जाओ उसे, उसको डिस्कस मत करो। वो मेरा पास था, वो सब खत्म हो चुका है। सॉरी। नहीं नहीं नहीं, कोई 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 बात नहीं, इट्स ओके। सॉरी। नहीं प्लीज, बार बार सॉरी मत कहो, मैं इट्स फाइन। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। आई होप कि तुम्हें अच्छा लगे। तुम लाए हो तो मुझे अच्छा ही लगेगा।